ई कॉमर्स की मन रही है दिवाली, दुकानदारों का निकल रहा दिवाला। पहले कोरोना तो अब दुकानदारों पर पड़ रही है ई कॉमर्स की मार। जानिए कैसे नकली डिस्काउंट के चक्कर में आप कर रहे हैं खुद का नुकसान। बाजारों में सजा दिवाली का माल, फिर भी ई कॉमर्स के बाजार में क्यों लगी है भीड़। अपने लोकल दुकानदारों को छोड़कर आखिर क्यों की जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग। देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली हर मायने में खास है, क्योंकि ये वो त्योहार है जो हर वर्ग के लिए एक अलग खुशी लेकर आता है। जहां साधु संतों के लिए ये पूजा पाठ का दिन है, तो वहीं कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये ऐसा त्योहार है जो उन्हें बोनस के रूप में खुशियां देता है। वहीं व्यापारियों के लिए ये त्योहार उम्मीद और मुनाफे वाला साबित होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हर वर्ग का शख्स सब कुछ खरीदता है, फिर वो चाहे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या फिर मोटर व्हीकल। दिवाली से पहले हर कोई अपनी जरूरत और घर के लिए कुछ न कुछ जरूर लेता है। यही कारण है कि इस त्योहार का मार्केट सेक्टर पर काफी असर पड़ता है और इस त्योहार पर साल भर से व्यापारियों की नजर टिकी रहती है। लेकिन बदलते दौर में बहुत कुछ बदल रहा है। पहले दिवाली पर जहां मार्केट भीड़ से खचाखच भरी रहती थी, तो वहीं अब ये भीड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होती नजर आ रही है और ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ई कॉमर्स कंपनियां बड़े प्यार से अपने जाल में फंसा भी रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा होता है और डिस्काउंट भी भर भर कर मिलता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी आपको कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रही, बल्कि ये वो कर रही है कि अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाकर उसमें कुछ प्रतिशत का डिस्काउंट शो कर रही है और हमें लगता है कि वो हमें त्योहारी सीजन में काफी फायदा पहुंचा रही है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा जैसी कंपनियां जिनका साल का हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो अपना नुकसान कराकर आपको फायदा पहुंचा रही है, और वो भी उस समय जब सभी की कोरोना काल में कमर टूट चुकी है और ये साल उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस साल कोरोना की मार नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग ठीक उसी तरह है जिस तरह से आप एक पानी के बुलबुले को देखते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं, और जब आप उसे छूते हैं तो वो फूट जाता है। ठीक उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपको डिस्काउंट दिखा रहा है, तो असल में उसका प्राइस बढ़ाया गया है और वो महज एक धोखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसे में सवाल ये है कि हम ऑनलाइन ना खरीदारी करें तो कहां जाएं? इसका सीधा सा सवाल है, जो दुकानदार आपके मोहल्ले में है, क्या उसे दिवाली मनाने का हक नहीं? जो खरीदारी आप फोन की स्क्रीन देखकर कर रहे हैं, क्या वो खरीदारी आप सामने चीजों को देखकर बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे? तो जरा इस दिवाली सोचिए कि दिवाली मनाने का सभी को हक है, और हम इस वीडियो में उन दुकानदारों को भी संदेश देना चाहते हैं जो खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि लोग उनकी दुकानों से सामान खरीदें। हम सभी का ये फर्ज है कि हम सभी त्योहार एक साथ मनाएं और एक दूसरे का ध्यान रखें। तो विदेशी कंपनियों को छोड़कर क्यों ना अपने लोकल दुकानदार भाइयों के साथ दिवाली मनाई जाए, क्यों ना उनके साथ खुशियां बांटी जाए। आप सभी से ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस दिवाली हम अपनों को खुशियां बांटें, विदेशी कंपनियों को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।